ये मछली बिल्कुल सांप के जैसा लग रहा है और बहुत बड़ा बड़ा मछली है। अरे वाह, पहली बार देखा मैं ऐसा मछली। ये कौन सा मछली है धानी? कौन सा मछली है? कोचिया मछली। क्या बोलते हैं? जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ दीपक और आज मैं हूँ बीजापुर के मार्केट में। और अभी मार्केट आया हुआ था तो देखा कई सारी चीज़ें हैं जो मैं पहली बार देखा। जैसे यहाँ पर एक मछली है बिल्कुल सांप के जैसे लगा, और कई सारे ऑर्गेनिक सब्जी यहाँ पर आया हुआ है, मछली बहुत बड़ा बड़ा मछली सूखा हुआ है, और कई सारे अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं यहाँ का मार्केट। ये अमचूर है, अमचूर यहाँ बस्तर में खास कर खाने का। क्या चीज़ है? आम का है, मीठा है। आम का मीठा है, अच्छा। और ये देसी किला है। अरे वाह, यहाँ पर मटका भी आया है मार्केट में, देख सकते हैं। देखिए, सब्जी को लाने के लिए ऐसा टुकनी का यूज़ किया जाता है, इसको टुकनी नहीं बोलते, कुछ दूसरा बोलते हैं, लाए हुए हैं इसमें, इसे बोलते हैं डाला। यहाँ पर सब्जी को रखने के लिए, धान को रखने के लिए डाला का यूज़ करते हैं। बलौदा बाज़ार से लेकर आए हैं। और यहाँ का मटका भी देखिए, बहुत बड़ा बड़ा मटका है, और इसको शायद जो पेय पदार्थ हैं उसको रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रंजन भैया, ये मार्केट का सबसे ख़ास बात क्या है? देखिए, ये बीजापुर एक तो महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा से लगा हुआ ये जिला है, और छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर भी माना जाता है। हाँ। आपने थोड़ी देर पहले देखे थे यहाँ कोचिया बोल के एक जो फिश आती है। हाँ। उस फिश की डिमांड काफ़ी कर रहती है। हाँ। और ये बेसिकली बहुत दुर्लभ फिश होती है जो बड़ी मुश्किल से पाई जाती है। इसके अलावा जो सब्जियाँ है वो ऑर्गेनिक रहती है, और खासकर कुछ ट्रेडिशनल जो हमारे ड्राई फ्रूट्स के आइटम्स है, जैसे फिश है, ड्राई फ्रूट और कई सारी सब्जियाँ है, वो भी यहाँ पहुँचती है। और इसलिए ये बाज़ार जब भरता है तो इस आसपास के इलाकों के लोग बड़ी तादाद में यहाँ संडे को यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे महिलाएं भी बहुत ज़्यादा है जी। देखिए, बस्तर में अगर आपको अर्थव्यवस्था को समझना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, तो उसके लिए महिलाओं को एक बड़ा आधार माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी है बेसिकली छोटे छोटे जो दुकान लगे हुए, जो पसरा लगाए हुए, वो महिलाएं चला रही है। अपनी बाड़ी से सब्जियाँ हो या जो भी फल हो या जो सूखी मछलियाँ हो, उन्हें ला के वो बेचती है, और बेचने के एवज में जो पैसे उन्हें मिलते हैं उससे वो अपने रोज़मर्रा की वस्तुएँ खरीद के जाती है। कहीं ना कहीं घर का जो खेती किसानी से लेकर अर्थव्यवस्था को भी महिलाएँ संभाल रही है। ये बहुत बड़ा नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बस्तर के बाज़ार से देखने को मिलता है जी। थैंक यू। आइए, मैं रायपुर से बीजापुर आ रहा था तो सुबह 5 बजे से महिलाएँ बस में इस मार्केट के लिए आ रहे थे। तो वो भी मतलब मानना पड़ेगा कि 5-5 बजे से 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पर महिलाएं आ रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे, यहाँ पर जो सब्जी भी है वो कूढ़ा में बिकता है, ना कि तौल के। जितने भी सब्जी हैं यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी वो सब सब्जी जो है कूढ़ा में मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर मकई है, मिर्ची है, और ये सब देसी यानी घर में उगाया हुआ मक्का है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट का है, बट आधा से ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनिक है। ये यहाँ का देसी केला है, देखिए, ये घर में उगा देसी केला है, और ये बहुत टेस्टी होता है। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जब बस्तर आता हूँ या कोई ग्रामीण इलाका जाता हूँ तो मैं देसी केला ही खाता हूँ। और इस साइड देख सकते हैं, जैसे कि रंजन भैया बताए, यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग मतलब महिलाएं हैं। कौन सा दातुन है जी? हाँ, ये कौन सा दातुन है? करंज का। करंज का कितने का आता है? लेना है जी हम लोग को वहाँ जाने के लिए। यहाँ पर जंगल में वही तोड़ते हैं। अच्छा, लड़के लोग यहाँ पर अभी भी दातुन मिलता है। अब वो मछली मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे। हाँ, नहीं लाया।
ये बास्ता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में बांस के करील भी कहा जाता है। आमतौर पर ये बांस के पौधे होते हैं जब पौधे विकसित होते थे, और इन्हें ये जंगल से लाते हैं और इन्हें बाजार में बेचा जाता है। हालांकि इस पर प्रतिबंध वन विभाग की तरफ से अवश्य है, लेकिन इसका जो टेस्ट है, इसे बस्तर के जो लोग हैं ट्रेडिशनल में बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ये है बास्ता, देसी केला, और यहाँ पर बहुत सारे मछली भी हैं। मैं आपको मछली दिखाता हूँ जो बड़ा ही यूनिक है यहाँ पर। ये देखिए ये मछली, ये मछली बिल्कुल सांप के जैसे लग रहे थे मेरे को। अगर इसको अगर नदी में देखें और एकाक बार एक झलक में देखें तो बिल्कुल सांप के जैसे लगता है। देखिए है ना, एक मछली 30 रुपए का है ये, और ये गर्भवती महिलाएं से खाती हैं, इससे ब्लड बढ़ता है बताते हैं, और बहुत ही पौष्टिक रहता है गर्भवती महिलाओं के लिए। बहुत महंगा है मछली, है ना भाई? कहाँ से लाए इसको? उड़ीसा से तो खरीदते हैं उसको। अच्छा, क्या बात। इसको कुढ़ा कुढ़ा ही बेचते हैं कि इसको वजन भी करते हैं भाई? अच्छा 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 हाँ हाँ अच्छा, तराजू नहीं है इसलिए कूढ़ा कूढ़ा हम बेचते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो यहाँ पर बताया दादी कि यहाँ पर तराजू नहीं है इसलिए वो कूढ़ा कूढ़ा करके बेचते हैं। ये भी बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मुझे। तो पता कैसे चलता है कितना किलो का है करके? कितना किलो है? हाँ, ये वाला हम लाने वाला। हाँ, लाने वाला ये 15 किलो 20 किलो। अच्छा, 15 किलो पर ये 1 किलो है, ऐसा कैसे पता करते हैं? पता चल जाता है। अच्छा, अनुमान लगा के। अच्छा, तो ये सब्जी कहाँ से लाते हैं? जगदलपुर से। अच्छा, अच्छा अच्छा जगदलपुर से यहाँ सब्जी भेजने आते हैं? वो तो दूर से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एक एक थन बोरी के लिए 40 रुपया, अरे एक छन के लिए 2। अच्छा, हाँ। तो ये पूरा सब्जी का मार्केट है यहाँ पर, और उस साइड में जो घर के सामान है, ज़रूरत के सामान है, वो उस साइड में मिलता है। ऐसे करके मार्केट 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है। और अरे ये देखिए, यहाँ पर मार्केट के बीच में जो फटे पुराने नोट हैं उसको भी एक्सचेंज करते हैं। क्या बात है, ये अभी भी यहाँ पर। क्या भाव चल रहा है भाई आज? चलता है मतलब 10 का 5 मिलता है 50%। अच्छा, ये सिक्के विक्के भी देते हैं क्या भाई? हाँ, 10 का सिक्का। अच्छा, बंद हो गया नहीं चलता तो आप लेते हो आप? अच्छा, चलता कैसे? कहाँ? यहाँ नहीं चलता है, यहाँ से बाहर चलता है जंगल। अच्छा, तो यहाँ बंद हो गया तो इसको आप ले लेते हैं, तो 10 का 5 देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा, यहाँ पर मीठा मिलता है, मिर्ची भजिया, जलेबी, गुलगुला भजिया और भजिया, और ये क्या है? आलू भजिया। आलू भजिया, अरे वाह, क्या बात है। सब्जी बेचने के लिए जो दीदी हैं, जो महिलाएं हैं, वो जगदलपुर से यहाँ तक आए हुए हैं। कई लोग तो मैं आज सुबह ही देखा था कि सुबह 5 बजे से 4 बजे से गीदम से यहाँ तक सब्जी बेचने के लिए आए हुए हैं। तो बड़े दूर दूर से यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए आते हैं। मैं पूछा भी किस लिए आते हैं, तो बोले कि अगर हम ये सब चीज़ बेचेंगे नहीं तो कमाएंगे क्या। रंजन भैया हमको घुमा रहे हैं पूरा यहाँ पर। क्या परमानेंट जो है उन्हीं लोग रहते हैं भैया? ये एक जो व्यापारी है, जो खासकर यहाँ बड़े स्तर के, बड़े तबके के व्यापारी बोल सकते हैं, जो परमानेंट अपनी दुकानें लगाती है, उन्हें एक तरह से अब जगह भी आवंटित है बोल सकते हैं। अच्छा, जिसकी वजह में वो पालिका को शुल्क भी पटाते हैं। अच्छा अच्छा, तो घर के जो ज़रूरत के सामान है वो आपको इस जगह पर मिलेगा। कितना बजे है रेडियो? देखिए फोटो लीजिए, है ना, मेरा भी फोटो लीजिए, तो लाइव टेलीकास्ट कर दिया। अरे वाह, क्या होता है ना,
हाँ। देखिए बस्तर में क्योंकि ये जो बीजापुर के जो अंदूठी गांव है वहाँ पे नेटवर्क की समस्या है हाँ। और बिजली भी कई इलाकों में नहीं है हाँ। ऐसे में मनोरंजन लोग कैसे करें, एक बड़ा समस्या ये उनके सामने होती है। लेकिन बाज़ार एक जरिया है हाँ। जहाँ आमतौर पर आज इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो बाज़ार में सुलभ उपलब्ध होते हैं, खासकर जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं हाँ। तो उनके लिए खरीदारी का एक बहुत बेहतर अवसर होता है। अच्छा। किसी तरह के स्पीकर हो या ईयरफोन्स हो और वॉच हो हाँ। जो लोग लेते हैं, तो ये एक बड़ी दुकानों में यहाँ पे आज भी किसी शॉपिंग मॉल या उसका रुख नहीं करते हाँ। बल्कि एक लोकल मार्केट है जो बस्तर के गाँव के लिए बहुत, ग्रामीणों के लिए बहुत आवश्यकता की चीज़ों को पूरी करती है। जैसे लाइट है, मोबाइल है, टॉर्च है, घड़ी है, देख सकते हैं बहुत सारा लाइट है यहाँ पर, ब्लूटूथ स्पीकर है और घर के छोटे मोटे जो ज़रूरत के सामान है, कंघी है, सुई है, मतलब सुई से लेके बड़े से बड़े चीज़ इस मार्केट में मिलता है, देख सकते हैं। दोस्तों कल आपको मैं बीजापुर का ग्रामीण क्षेत्र का जो बाज़ार है वो आपको दिखाऊँगा। ये बीजापुर का मेन क्षेत्र में बाज़ार है और अभी हम आ गए हैं जो घर में यूज़ किए जाने जो औजार हैं वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए ग्रामीण इलाकों में क्या खेती किसानी से लेकर जंगल पे निर्भरता आदिवासियों की रहती है हाँ। तो खेती किसानी होती है तो उसके लिए भी औजार लगते हैं, जंगल से लकड़ियाँ लानी हो या बांस लाना हो तो उसके लिए भी औजार लगते हैं हाँ। तो बाज़ार जो लोकल बाज़ार है वो औजारों के लिए भी एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं हाँ। तो यहाँ पहुँचते अगर उनके पास कोई औजार की आवश्यकता तो वो यहाँ से परचेस करके ले जाते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के औजार यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय।